खबरों के बाद विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को होगी और इसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं और बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 350 कार्यकारी सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में हिस्सा लेंगे। और 17 जनवरी को होने जा रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडे तय करना है। इस बैठक में बीजेपी जिन चार मुख्य प्रस्तावों को पारित करने की कोशिश कर रही है वे आर्थिक, राजनीतिक, गरीब कल्याण और भारत की G20 अध्यक्षता है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा लगभग 350 कार्यकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गुजरात में भारी जीत पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं जिन चुनावों में बीजेपी की हार हुई है उन्हें लेकर चर्चा और प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी की 160 बूथों पर कमजोरी और वहां से मिले फीडबैक को लेकर भी चर्चा होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और इसके साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही इसमें पीएम का रोड शो भी होना है। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का समय हो लेकिन सियासी ताना-बाना अभी से बुना जाने लगा है। सियासत में एक कहावत है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले रास्ते को बीजेपी इन दिनों दुरुस्त करने में जुटी है। बीजेपी की इस बैठक में यूपी बीजेपी में बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शामिल होंगे। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इनकी बैठक होगी, वो यहीं पर भाजपा मुख्यालय में होगी और शाम को 4 बजे से कल 16 जनवरी 2023 NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बैठक शुरू होगी और 17 जनवरी शाम को 4 बजे तक संपन्न होगी। बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बैठक के दौरान पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी की तरफ से जीत की रणनीति तैयार की जा रही है और आईएएस से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं डिटेल्स में। तो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, 16 और 17 जनवरी को ये मीटिंग होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। 2 दिनों तक ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चलेगी जिसमें 350 कार्यकारी सदस्य भी शामिल होंगे। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे और 2024 के लिए तय होगा यहाँ चुनावी एजेंडा। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर फोकस रहेगा और बैठक में पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में बेहद अहम होने जा रही है। यूपी में संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि माना जा रहा है कि 30 तारीख से पहले पहले संगठन में बदलाव भी होना है, इसको लेकर भी यहां चर्चा हो सकती है। बैठक से पहले पीएम मोदी कर सकते हैं रोड शो। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक और अब बात करते हैं बीएसपी की। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।